किरंदुल शहर में तबाही मच गई है। यहाँ से देख रहे हैं उनके घर यहाँ पर तबाह हो गए हैं। पूरा ये पूरा पारा जाने ही वाला है, कोई बचाने भी नहीं आए। इनका तिनका जोड़ के 18 साल से मैं कमाया वाला 10 रूम का घर था, मैं सब कुछ बर्बाद हो गया। जीने के लिए भी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, नगर पालिका कोई नहीं आया अभी तक। जिंदगी थम गई है, लोगों के आंसू बह रहे हैं, लोग तिनका तिनका जोड़ कर लंबे समय से अपने आशियाने को जो बना के रखे थे। एक ऐसा तूफान आया कल, पानी का ऐसा जलजला आया कि सब कुछ तबाह कर दिया। लोग उस तबाही के मंजर को याद करके रो रहे हैं, थिसक रहे हैं, फपक रहे हैं। लगातार 3 दिनों से दंतेवाड़ा जिले में बारिश हो रही है, जिसके चलते हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। दरअसल है इस समय हम किरंदुल माइंस एरिया में खड़े हैं। जानकारी के लिए बता दूं, कल किरंदुल में 11B और सी के बीच में एक बांध बनाया गया था, जो बांध ओवरफ्लो हुआ है, जिसके कारण पूरे किरंदुल शहर में तबाही मच गई है। मैं अपने कैमरामैन साथी से बोलूँगा कि एक बार इधर दिखाइए, आक्रोशित लोग सड़क पर खड़े हैं, ये सब बेघर लोग हैं, तबाह हो गए हैं। दरअसल एक बार इस तरफ दिखाइएगा, ये आपको नगर पालिका का एक यहाँ पर एक बड़ी नाली थी, जिसको यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से पानी यहाँ से सीधा नीचे की ओर एक बड़ी बस्ती है वहाँ पर पूरी तरीके से उतरा है। मैं बता दूँ कि यहाँ पर नगर पालिका का मिस मैनेजमेंट NMDC, आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का गाद है कि पूरे यहाँ पर पैर मतलब इंसान का फंस रहा है। अगर इस पर कोई मवेशी या इंसान आता है तो उसका जिंदा निकल पाना बहुत मुश्किल है। इस समय हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के लिए पहुँचे हैं। किरंदुल में JCB गाड़ियां लगी हैं, मलबा साफ कर रही हैं, भारी बारिश इस समय भी हो रही है। मैं हरीश भाई थोड़ा सा इस तरफ भी आएंगे अपन, यहां पर वहां जहां पर लोग जमा हैं वहां पर दिखाना चाहूंगा मैं कि किस तरीके से उस इलाके में पानी घुसा है और 100 से ज़्यादा मकान यहां पर तबाह हो गए। दरअसल जिला प्रशासन से हमारी कल बात हुई थी, जिला प्रशासन ने कहा है कि जल्द से जल्द पीड़ितों को राहत पहुँचाई जाएगी। इस समय हम किरंदुल पहुंचे हुए हैं। आप इस पानी को देखिए, इस पानी का कलर आपको ये बता रहा होगा कि लोहे के आयरन के डस्ट से मिला हुआ यह पानी है, कितना घातक होगा। जिस पानी में आयरन की मात्रा है वह पानी जब घरों में घुसता है तो कितनी तबाही मचाता होगा। मतलब यह पानी जहां जहां मिल रहा है उन नदियों को दूषित कर दे रहा है, उन अच्छे पानी को दूषित कर दे रहा है, और इसकी चपेट में जो लोग आ रहे हैं वो भी तबाह हो जाएंगे। देखिए इस दुकान के किनारे में यह पानी काटा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये कभी भी यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है, कभी भी ये जगह धस सकती है नीचे में, क्योंकि लगातार पानी का कटाव हो रहा है। वो देखिए कि उस तरफ के पूरे जो मकान है आपको दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ रहेंगे हरीश भाई, ये कभी भी दब सकता है क्योंकि ये बहुत डेंजर पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि लोग पीड़ित यहाँ से देख रहे हैं, उनके घर यहाँ पर तबाह हो गए हैं। मलबा आपको सीट के ऊपर में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे ही पूछते हैं क्या नाम लिखते हैं आप? हम लोग राठौर। राठौर, हाँ। कितना नुकसान हुआ है, कितना घरों में? बहुत नुकसान हो गया, पूरा ये पूरा पारा जाने ही वाला है, सोचो रोड कट गया। कितने घर हैं इस पारा में? लगभग 30-40 घर है, 30-40 घर। अभी सबके सब कहाँ पर रुक रहे हैं? कहीं हम लोग ये दे मंडा मंडा में कहीं कहीं रुकने का व्यवस्था नहीं है, कुछ भी हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं आ रहा है। अच्छा, पूछने के लिए भी कोई NMDC की तरफ से कोई नहीं आया, नगर पालिका का कोई नहीं आया अभी तक? मतलब माँ बेटे डूब रहे थे, कोई खड़े होकर देख रहे थे, कोई बचाने भी नहीं आए, अंदर में घर के अंदर फंस गए थे। पता है छोटा सा बच्चा, यहाँ से नाली है, यहाँ छोटा छोटा बच्चा है, पूरा बर्बाद हो रहा है। गरीब इंसान भैया, हम लोग एक दिन का करके जोड़ते हैं, बताओ इतना बोल्डर गया, इतना सोना चांदी गिरवी करके मैं सामान मंगाई, बताओ तो ना मेरा घर नहीं टूटता। लगातार यहाँ पर नुकसान हुआ है लोगों को, लोगों का गुस्सा फूट रहा है NMDC नगर पालिका और प्रशासन के ऊपर। दरअसल ना तो NMDC ना तो नगर पालिका ना तो प्रशासन की तरफ से कोई टीम पहुंची हुई है। फंसा गया पूरा रोड कट गया और ये दुकान जाने वाला है, दुकान जाएगा तो हम लोग का पूरा घर बर्बाद होगा, 40-50 घर चला जाएगा पूरा। और हमारी पार्षद आई है और हमारा NMDC कोई नहीं आया, यहाँ देखने कोई नहीं आया। हाँ, NMDC नहीं आई और रोड भी पूरा कट गया। NMDC में कॉन्ट्रेक्टर लेबर हूँ मैं, 3 बच्चे हैं मेरे, मैं सिंगल मदर हूँ। तिनका तिनका जोड़ के 18 साल से मैं कमाया वाला 10 रूम का घर था, मैं
रोड में पड़ा हुआ जो लोहा पत्थर को भी उठा के मैं बनाई और किराए में दे के रूम को, क्योंकि मेरे को दो पैसा बचाऊंगी तभी तो बच्चे पढ़ाऊंगी। मैं मेहनत करके जोड़ा वाला मेरा 10 रूम का घर, मेरा सारा अलमारी गया, सोफा, जितना सामान था मेरा, दीवान का कपड़ा वपड़ा पूरा मलबा में, पूरा ये जो ऊपर से गया है ना ये मट्टी, ये पूरा जाके मेरे पूरा दबा दिया सामान को, ना मेरा कूलर रहा ना कुछ भी नहीं रहा, दीवान वॉशिंग मशीन सब कुछ बर्बाद हो गया। जिंदगी थम गई है, लोगों के आंसू बह रहे हैं, लोग तिनका तिनका जोड़ कर लंबे समय से अपने आशियाने को जो बना के रखे थे, एक ऐसा तूफान आया कल, पानी का ऐसा जलजला आया कि सब कुछ तबाह कर दिया। लोग उस तबाही के मंजर को याद करके रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, फफक रहे हैं, साथ में ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि NMDC के लोग आएंगे या नगरपालिका के लोग आएंगे या प्रशासन के लोग आएंगे, क्योंकि जब किसी का बहुत नुकसान होता है तो इंसान किसी ना किसी से उम्मीद लगाता है, उसी उम्मीद के सहारे ये लोग बैठे हैं कि कोई आए इनकी सुने। हम भी प्रशासन से इस बात की गुहार लगाते हैं कि इन पीड़ितों तक मदद पहुँचानी चाहिए, जो भी हो सके संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि ये जो इनके दुख की घड़ी है इनके साथ प्रशासन भी कदम से कदम मिला के खड़ा रहे। बस्तर टाकीज के लिए पंकज सिंह भदौरिया, और भी हम आगे रिपोर्ट बनाएंगे आपको दिखाएंगे। अगर हमारी ये रिपोर्ट ठीक लगती है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए।